स्वागत है जी तुहाडा सब का तुहाडे अपने चैनल पंजाब नॉलेज हब दे विच। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तो चैनल नू सब्सक्राइब जरूर करो ते बैल आइकन दा बटन दबाना ना भूलो। सो स्टूडेंट्स, जिवें कि तुहानू पता ही है कि पंजाब विच आम आदमी पार्टी दी सरकार बन गई है ते मान्योग सीएम भगवंत मान जी ने 25,000 सरकारी नौकरी दिया वैकेंसीज ने जो 25,000 ठीक है जी वो कढ़ने का फैसला लिता है कैबिनेट की पहली मीटिंग विच। ता उस दे लई अज तो असी स्पेशल सेशन तैयारी शुरू करन जा रहे हैं जिस विच असी अज करांगे करंट अफेयर 13 तो लैके 21 मार्च तक दे करंट अफेयर अज असी कवर करांगे। इस तो बाद डेली ही अपनी करंट अफेयर की क्लास होया करूगी जो कि शाम को 9 बजे होया करूंगी। सो जो भी स्टूडेंट्स करंट अफेयर की क्लास वास्ते इंटरेस्टेड ने वो स्टूडेंट सानू कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर दसन। सो वधदे हैं जी वीडियो वाल। देखो पहला है जी भारत का पहला मेडिकल शहर इंदिरा इंदरानी मेडी सिटी किस शहर विच बनेगा ठीक है जी। इंडिया फर्स्ट मेडिकल सिटी भारत की पहली मेडिकल सिटी इंदिरानी मेडिकल सिटी कितने बनेगी तो वह बनेगी जी पुणे पुणे विखे वह बनेगी। दूजा करंट अफेयर है जी किस राज ने 2021 लई स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड विच पहला स्थान प्राप्त किया है। विच स्टेट बैग दी नंबर 1 स्पॉट इन स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड फॉर 2021 ता ओह किता है जी आंध्रा प्रदेश ने। अगे चलते हैं जी तीजा क्वेश्चन देखो जी इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हैज स्लैश द इंटरेस्ट रेट ऑन प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट बाय व्हाट परसेंट फॉर 2021 टू 22। कर्मचारी भविख निधि संगठन ठीक है जी जिसनों असी EPFO भी कहते हैं EPFO ने प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट ते ब्याज दर नू 2021-22 लई किन्ने प्रतिशत तक घटा दिता है तो 8.10%। चौथा किस मंत्रालय ने इंडिया हैबिटेट सेंटर विखे इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप कनक्लेव का आयोजन किया है तो वह किया जी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। पंजवां करंट अफेयर है जी भारतीय बीमा रेगुलेटरी विकास अथॉरिटी के चेयरमैन वजों किसनों नियुक्त किया गया है। चेयरमैन किसनों लाया गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का तो यह लाया गया जी देवाशीष पांडा नु। देवाशीष पांडा नु की लाया गया जी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन। छेवां क्वेश्चन देखो जी विश्व ग्लोकोमा हफ्ते की थीम की सी थीम ऑफ वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक। ग्लोकोमा वीक की थीम सी जी दी वर्ल्ड इज ब्राइट सेव यूअर साइट। हुण तुसी कमेंट बॉक्स च कमेंट करके ये दस रहे जी वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक किन्ने तो किन्नी तरीक तक ऑब्जर्व किया जाता है डेट दसनी है जी वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक दी। अगे चलते हैं सत्तवां क्वेश्चन देखो जी विच ऑर्गेनाइजेशन रैंक्ड 124th इन फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 2022 ऑफ टॉप मिड साइज कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया। फॉर्च्यून इंडिया की सूची विच भारत विच काम कर रही चोटी दिया मिड साइज कंपनियां विच केड़ी संस्था 124वें स्थान पे है ता ओ है जी रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अठवां क्वेश्चन देखो जी द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल बैंक एक्वेरियम ठीक है जी देश का पहला डिजिटल बैंक जिसका नाम एक्वेरियम है कितने लॉन्च किया गया है तो यह लॉन्च किया गया जी बेंगलुरु विखे। देश का पहला डिजिटल बैंक है जी जिसका नाम है एक्वेरियम ठीक है जी। दसवां क्वेश्चन विश्व खपतकार अधिकार दिवस 2022 का विषय की सी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2022 का थीम की सी फेयर डिजिटल फाइनेंस। हुण तुसी इस दी डेट दसनी है कमेंट बॉक्स च कमेंट करके ठीक है जी। जो भी स्टूडेंट्स वीडियो नू देख रहे ने वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कदों मनाया जाता है।
ग्यारहवां क्वेश्चन देखो जी, किस फिल्म ने 75वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड, जिसनों असी बफ्ता भी कहते हैं जी, 2022 विच सर्वोत्तम फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है जी द पावर ऑफ डॉग ने। सो दोस्तों, जेकर तुसी साडे टेलीग्राम ग्रुप नू ज्वाइन नहीं किया है जां फिर साडे इंस्टाग्राम हैंडल नू ज्वाइन नहीं किया तां तुसी ओह भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स च कमेंट करके तुसी साडे कोलों लिंक लै सकते हो, जां फिर वीडियो दे डिस्क्रिप्शन विच साडे टेलीग्राम ग्रुप दा लिंक दिता होया, उत्थों तुसी साडे टेलीग्राम ग्रुप नू ज्वाइन कर सकते हो। तुहानू दस दिए कि बफ्ता अवार्ड्स बारे पूरी ही स्लाइड असी अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की हुई है, जिस विच सारे ही बफ्ता 75वें बफ्ता अवार्ड 2022 बारे सारा कुछ है, जो जो भी जिस भी कैटेगरी च अवार्ड्स दिते गए ने सारा कुछ असी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है। 12वां क्वेश्चन देखो जी, किस नू ऑयल इंडिया लिमिटेड दे चेयरमैन अते प्रबंध निर्देशक वजो नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड? तां ओ कीता गया जी रणजीत रथन। 13वां क्वेश्चन, एयर इंडिया दे चेयरमैन वजों किस नू नियुक्त किया गया है? तां एन चंद्रा शेखरन नू की कीता गया जी एयर इंडिया दे चेयरमैन वजों नियुक्त किया गया है एन चंद्रा शेखरन। 14वां क्वेश्चन देखो जी, केड़ा देश 44वें फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करेगा? तां वो है जी इंडिया। विच कंट्री विल होस्ट दी 44th फाइड चेस ओलंपियाड 2022? तां वो है जी इंडिया। 15वां क्वेश्चन, किसने पंजाब दे 18वें मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकी है? हु हैज बीन स्वोर्न एज दी 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? तां पंजाब दे 18वें चीफ मिनिस्टर ने श्री भगवंत मान जी, ठीक है जी, जो कि आम आदमी पार्टी तो बिलोंग करते हैं। आम आदमी पार्टी ने फुल मेजोरिटी 92 सीट्स मेजोरिटी च लैके इन्होंने पंजाब विच सरकार बनाई है, ठीक है जी। इसे दौरान कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई है जी, पहली मीटिंग विच इन्होंने नौजवानों को 25,000 सरकारी नौकरियां देने का फैसला किया है। सो अगे चलते हैं जी, 16वां क्वेश्चन, फरवरी 2022 का आईसीसी पुरुष खिडारी का पुरस्कार किसनों दिता गया है? श्रेयस अय्यर नूं दिता गया है जी आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2022। 17वां क्वेश्चन देखो जी, इन विच सिटी अहिंसा विश्वा भारती ऑर्गेनाइजेशन विल इस्टैबलिश इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर? अहिंसा विश्व भारती संस्था है जो ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਜੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੈ। 18ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦੀ ਫਸਟ ਸਿੰਗਾਪੁਰੀਅਨ ਟੂ ਬੀ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਫੋਰ 2 ਈਅਰਸ? 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਟੀ ਰਾਜਾ ਕੁਮਾਰ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ੍ਰੀ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। 19ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਸਟੋਰਲ ਬ੍ਰੀਡਸ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪੈਸਟੋਰਲ ਬ੍ਰੀਡਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਐਂਡ ਡੈਰਿੰਗ। 20ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੈਟਾਲਿਨ ਨੋਵਾਕ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੈਟਾਲਿਨ ਨੋਵਾਕ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਲੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਹੰਗਰੀ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਹੰਗਰੀ ਦੀ।
अगला क्वेश्चन, एज पर द लेटेस्ट डाटा रिलीज बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, व्हाट वाज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ड्यूरिंग द पीरियड 2017 टू 2019? ओ है जी 103, किन्नी है जी 103। 22वां क्वेश्चन, नेम द कार्गो वेसल विच हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वेसल एवर टू सेल ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र। उस कार्गो जहाज का नाम दसो जो ब्रह्मपुत्र नदी ते हुण तक दा सफर करने वाला सब तो लंबा जहाज बन गया। तो वो है जी MV राम प्रसाद बिस्मिल। 23वां क्वेश्चन जी, साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित मानसून सिरलेख वाली पुस्तक का लेखक कौन है? ता उसका लेखक है जी अभय कुमार। 24वां क्वेश्चन, किस संस्था विच भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अते रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है? इन विच इंस्टीट्यूट इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क वाज लॉन्च? ता ओह किया गया जी IISC बेंगलुरु। IISC जी जो फुल फॉर्म है वह तुसी कमेंट करके दसनी, ठीक है जी। कल तो जो असी करंट अफेयर करांगे उन्हां दी वह असी डिटेल च करे करांगे जी, वन लाइनर नहीं करांगे असी। कल तो जिहड़े करांगे वह डिटेल च करांगे ताकि पेपर विच हर तरह का क्वेश्चन तुसी अटैम्प्ट कर सको, ताकि असी चंगे तरीके नाल आने वाले पंजाब के सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सके। अगे चलते हैं जी। 25वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का थीम की सी? ठीक है जी, थीम ऑफ नेशनल वैक्सीनेशन डे 2022 था, थीम सी जी वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। 26वां क्वेश्चन, कौन भारतीय महिला हॉकी टीम दी नवी कप्तान बनी है? हु हैज बिकम दी न्यू कैप्टन ऑफ इंडियंस वुमेन्स हॉकी टीम? ता ओ बनी है जी सविता पुनिया, सविता पुनिया। 27वां क्वेश्चन, किस राज जहाँ यूटी सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार का ऐलान किया है? विच स्टेट कम यूटी गवर्नमेंट हैज अनाउंस दी सुषमा स्वराज पुरस्कार? ता ओ अनाउंस किया है जी किसने? हरियाणा, हरियाणा ने अनाउंस किया। 28वां क्वेश्चन है जी, व्हाट इज दी थीम ऑफ वर्ल्ड स्लीप डे 2022? विश्व नींद दिवस 2022 का थीम की सी? ता उसका थीम सी जी क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड एंड हैप्पी वर्ल्ड, क्वालिटी स्लीप्स साउंड माइंड एंड हैप्पी वर्ल्ड। हुण तुसी डेट जिवें कि तुसी तुहानू पता ही है डेट तुसी कमेंट बॉक्स से कमेंट करके दसनी। 29वां क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2022? ठीक है जी, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2022 दी थीम की सी? रिसाइकलिंग फ्रेटरनिटी। 30वां क्वेश्चन, व्हाट इज इंडिया जीडीपी फोरकास्ट बाय मूडीज फॉर करंट ईयर 22? तां की है जी फाइनेंशियल ईयर 22 लई मूडीज द्वारा भारत दी जीडीपी पूर्व अनुमान की है? 9.1%। 31वां क्वेश्चन देखो जी, इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट जस्टिस क्लॉक हैज बीन इंस्टॉल्ड? देश का पहला जस्टिस क्लॉक किस राज्य विच लगाया गया है? जहाँ जस्टिस क्लॉक केड़े राज्य विच लगाई गई है? तो वह लाई गई है जी गुजरात विखे। 32वां क्वेश्चन, केड़ी कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल सैल इलैक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की है? विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फ्यूल सैल इलैक्ट्रिक व्हीकल? तो वह की है जी टोयोटा ने। 33वां क्वेश्चन, केड़ी टीम ने 2022 महिला पैन अमेरिकन कप फील्ड हॉकी टूरनामेंट जीता है? तो यह जीता है जी अर्जेंटीना ने। किसने जी? अर्जेंटीना ने यह जीता है। अगे चलते हैं जी। 34वां क्वेश्चन, किसने 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल का खिताब जीता है? तो अश्ले बार्टी ने यह जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 बारे जो सारी जानकारी है वह जल्दी असं अपने टैलीग्राम ग्रुप में शेयर करा, ठीक है जी, उत्थों तुसी पढ़ सकते हो, वीडियो भी इस ते असी लैके आऊंगा। 35वां क्वेश्चन, कौन पंजाब विधानसभा का नवा स्पीकर बनया है? हु हैज़ बिकम द न्यू स्पीकर ऑफ पंजाब लैजिसलेटिव असैम्बली? पंजाब लैजिसलेटिव असैम्बली का नवा स्पीकर जो बने ने जी वह ने कुलतार सिंह संधवा, ठीक है जी।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਟੋਰਨੀ ਜਨ ਏਜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਏਜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। 36ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੀ ਹੈ? 136ਵਾਂ। 37ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, 11th ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਖੇਲ ਮਹਾਕੁੰਭ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨੋਗਰੇਟਡ ਬਾਈ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਐਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੇਲ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ 11ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ। 38ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੇਅਰ ਵਾਜ ਦੀ ਵਰਲਡਸ ਲੋਂਗੈਸਟ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ? ਡਾਰਡੇਨੇਲਸ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨੋਗਰੇਟਡ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਡਾਰਡੇਨੇਲਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਟਰਕੀ ਵਿਖੇ। 39ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚ ਮਿਲਟਰੀ ਡਰਿਲ ਕੋਲਡ ਰਿਸਪੋਂਸ 2022? ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਡਰਿਲ ਕੋਲਡ ਰਿਸਪੋਂਸ 2022 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਈਅਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, 40ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ 31ਵੇਂ ਜੀ ਡੀ ਬਿਰਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ 2021 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਨਫਰਮ ਵਿਦ ਦੀ 31st ਜੀ ਡੀ ਬਿਰਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ 2021 ਫੋਰ ਹਿਜ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ? ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ। 41ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਥੀਮ ਆਫ ਵਰਲਡ ਸਪੈਰੋ ਡੇ 2022? ਵਿਸ਼ਵ ਸਪੈਰੋ ਡੇ 2022 ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਈ ਲਵ ਸਪੈਰੋਜ਼। 42ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ 2022 ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਅਪਰੋਚ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫੋਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੋਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੌਲੇਜ ਹੱਬ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ 90415 40772 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੌਲੇਜ ਹੱਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।